अरे इंडिया इंडिया ओ आई मेरी खबर आई है हां मैं चेंज करके आऊंगा उसके बाद वापस भी जाऊंगा चलो चलो यहां पे सर इधर पता नहीं यार अभी यहां पे इतनी चीज है टीवी पे लोग आ रहे हैं अब मैं चेंज करके आ रहा हूं भाई एक सिंगल फिर से कोट Let me know when you guys are ready. सबसे पहले सवाल ये है कितने एक्साइटेड हैं इस तरह के इवेंट में आके आप? काफी एक्साइटेड हूँ। और ये बताइए कि जो बॉक्स टिकट लेके क्या कॉन्सेप्ट बेसिकली इसका अगर कुछ मालूम है आपको इस बारे में तो? देखिए खानदान का पता चलता है आपको भी इत्तला कर दिया जाएगा। We all are just as part of it and it's a new concept. Everybody is like looking forward for it. So I hope it's gonna be fun. Guys and girls both gonna play together. तो किस तरह का कॉन्सेप्ट है मतलब इसमें कौन सी टीम पार्टिसिपेट कर रही है टेलीविजन काफी लोग हैं सुरमा भोपाली जो हमारी टीम है या सो मुझे अपने बारे टीम के बारे में मालूम है बाकी लोगों का मुझे नहीं मालूम बट या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द फाइट और कब शुरू होने वाला है और कब तक चलने वाला है ये आई थिंक इट्स गोना बी फॉर अ मंथ एवरी सैटरडे संडे वी गोना बी प्लेइंग या तो बेसिकली इसका मकसद क्या है कुछ सोचा हमारे में इसके लिए भी है या सिर्फ एक एंटरटेनमेंट कॉन्सेप्ट का पॉइंट है I think it's everything. Everybody is gonna meet all the actors and actresses gonna be together. So it's gonna be a fun game. It's all about cricket. तो preparation कैसे चल रही है आपकी कोई? Well, in India, two things we always born with: Amitabh Bachchan style and cricket in our blood. Okay. So, yeah. Thank you. बहुत एक्साइटेड हूँ सनी मेरा बहुत पुराना दोस्त है जिम के टाइम से और मैंने एडिटिंग फिल्म जब से स्टार्ट हुआ है तब से आई बीन अ पार्ट ऑफ इट उनके साथ मैंने शूट्स काफी किए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है ये बहुत बड़ा स्टेप है और इसका रिस्पॉन्स बहुत ही अमेजिंग हो रहा है सो आई एम वेरी एक्साइटेड ये कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि जैसे कि हम सेलिब्रिटीज सारे होते हैं जिसमें क्रिकेट इज मोस्टली एसोसिएटेड विद गाइज लेकिन ये एक ऐसा इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसमें लड़कियां और लड़के दोनों मिलके खेलेंगे एक टीम में तो ऑब्वियसली लड़कियों के लिए इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी कि हम टेनिस या वो करें तो हमने इंटरेस्टिंग एक सनी ने सोचा है कि हम बॉक्स क्रिकेट लीग करें जिसमें एक छोटे से बॉक्स में हम बॉल थ्रो करें और एक सॉफ्ट बॉल साथ वी प्ले अ स्मॉल गेम एंड देन वी कम्पीट ऑल ऑफ अस मैं हूँ घेंट पंजाबी के पार्ट से एंड सनी टीम जी एंड मैं हूँ सनी है मजर है राजेंद्र नील बारखा एंड लॉट ऑफ पीपल आई थिंक करण इज देयर करण टैकर इज देयर देन है फिरोजा इज देयर देन देवोलीना इज देयर ये हमारी अभी फिलहाल पक्की टीम है अच्छा ये बताइए ये क्रिकेट लीग का मकसद क्या सिर्फ एंटरटेनमेंट है या कोई सोशल अवेयरनेस वगैरह भी क्रिएट सोशल अवेयरनेस बाद में फॉलो होगा जैसे हम हमारे पास स्पॉन्सरशिप्स आएंगे बाद में सब ज्यादा होगा तो हम अवेयरनेस के लिए भी करेंगे बट फिलहाल इट्स मोर एंटरटेनमेंट एंड ऑल्सो सम सीरियस क्रिकेट नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट तो कैसी तैयारी चल रही है इसके बारे में मेरे शोल्डर्स अभी भी सूजे हुए हैं दो दिन से हम इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत बुरी हालत है वो सॉफ्ट बॉल है लेकिन बॉल करना आसान नहीं है बैटिंग आसान नहीं है बहुत डिफिकल्ट है जोर शोर से और सारी टीमें बहुत ज्यादा तैयारी कर रही है तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग थैंक्स एक जस्ट वन मिनट बहुत एक्साइटेड आई एम फ्रॉम टीम तितली एंड टीम तितली इज गोना बी ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट एंड हंगामा एंड मस्ती एंड कम ऑन हम सब हिंदुस्तानी यार विदाउट वीट अ फेस्टिवल वीट अ बर्थडे विदाउट नाच गाना तो हमारा दिन खत्म ही नहीं होता सो टीम तितली इज गोना डू ऑल ऑफ दैट सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सम ग्रेट परफॉर्मेंसेस एंड लॉट्स ऑफ क्रिकेट आई थिंक सबसे अच्छा मोटिव ये है दैट यू नो वी ऑल आर वर्किंग वी ऑल आर बिजी एंड वी डोंट रियली गेट टाइम तो दिस इज वन वे जहाँ पे हम सब साथ में आते हैं लाइक अ फैमिली वी प्ले टुगेदर ईट टुगेदर डांस टुगेदर आई मीन आई डोंट थिंक यू नीड अ मोटिव इट्स लाइक एंजॉयिंग एंड इट्स जस्ट लाइक अनदर फेस्टिवल ऑल टुगेदर आई विल बी रिवीलिंग माई फोर अदर तितलीज ऑन द 23rd मुझे चोट लगी है इतना डांस प्रैक्टिस हो रहा है कि आई एम हर्ट ओके आई नीड द प्रोड्यूसर्स
So yeah, it's going really well. Any special kind of social initiative also interested in? Why don't we take it together? ये पता है ना तितली है ये डिस्ट्रैक्ट कर रही है अभी से ही फिर बोलते हैं लड़ाई होगी आई एम ऑलरेडी डूइंग माय जॉब आज मेरा ब्रेकअप होने वाला है सीरियसली ओह माय गॉड इज देयर एनी सोशल इनिशिएटिव सॉरी इज देयर एनी सोशल इनिशिएटिव आई थिंक द सोशल इनिशिएटिव दैट वुड बी एसोसिएटेड इज दैट यू नो कम टुगेदर एंजॉय we all are family and let's just be a family you know there are so many celebrities yahan pe itne bade bade log but kisi ka bhi koi ego nahi hai sab saath mein aaye hain sab mil baat ke kar rahe hain I think that's the biggest achievement of this entire BCL thank you cricket khelne ka shauk hai to isliye aaye hain BCL boxing ke liye aap kaun se team se participate kar rahe hain main से बोल रहा हूँ कोरबोल और वो जीतबो आई एम द बंगाली टीम बाबू मोशाइज सो आई एम प्लेइंग फॉर निवेदिता टीम विच इज ओन्ड बाय निवेदिता एंड बालाजी आई बिलीव तो बेसिकली आप कितने फॉलो करते हैं आप कितना पैशनेट हैं मैं हर इंटरव्यू बोलता हुआ आ रहा हूँ कि अगर मैं एक्टर नहीं होता तो क्रिकेटर होता बचपन से एक कन्फ्यूजन था कि क्रिकेटर बनूँ या एक्टर बनूँ क्योंकि यही दोनों फील्ड्स हैं ग्लैमरस वाली बट मेरे टाइम पर सिर्फ इंडियन टीम होती थी आईपीएल वगैरह कुछ नहीं था तब ना T20 था तो तब या था सिर्फ इंडिया के 11 प्लेयर्स या कुछ भी नहीं तो छोड़ दिया वो वाला सपना और एक्टर बन गए तो कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है गेट टुगेदर करने के लिए एंजॉय बहुत मजेदार यार बिकॉज़ हम एक्टर्स तो मिलते रहते हैं ऑन द सेट्स वी आर देयर एंड यू नो परफॉर्म करते रहते हैं लेकिन एक अलग मजेदार थीम होगी जो क्रिकेट खेल रहे होंगे सॉफ्ट बॉल के साथ जो किसी को पता नहीं कि कैसे जाएगी बिकॉज दैट बॉल स्विंग्स अ लॉट तो यू नेवर नो गर्ल्स कैन बी द चैंपियन इन दिस नाउ तो कैसे प्रिपरेशन कैसे हो रही है इसकी प्रिपेयर कैसे कर रहे हैं आप प्रिपेयर नहीं कर रहे यार इट इज़ अ प्लेस टू इन्जॉय तो बस पहुँचेंगे और मजे करेंगे और कुछ ऐसी प्रिपरेशन नहीं है इट्स नॉट अ वेरी सीरियस इवेंट और एनीथिंग इट्स जस्ट अबाउट ऑल द एक्टर्स एंड फ्रेंड्स कमिंग टुगेदर एंड इन्जॉइंग सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एन एंजॉयमेबल BCL एंड आप लोग को देखते हुए आएगा